मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं के 17 नवंबर को हुए मतदान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खासे अलर्ट पे थे। वो छिंदवाड़ा में मतदान करने के बाद सुबह 10 बजे ही प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए थे। कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बने वॉर रूम से ही प्रदेश भर की मतगणना पर नजर बनाई थी। कमलनाथ के साथ वकीलों की टीम भी मौजूद थी। मतदान के बाद अब मतगणना को लेकर भी पीसीसी चीफ कमलनाथ अलर्ट है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ 2 दिसंबर को भोपाल जाएंगे। वो भोपाल में 2 दिसंबर की रात को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि 3 दिसंबर की सुबह कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाएंगे, जहां वो दिन भर प्रदेश भर से आने वाले चुनाव परिणामों और नतीजों की समीक्षा करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कानूनी विशेषज्ञ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक्सपर्ट भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से अपील की है कि वो 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे। आपको बता दें, प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ खासे गंभीर हैं। इधर कांग्रेस काउंटिंग से पहले अपने सभी 230 प्रत्याशियों और एजेंट्स को मतगणना की विशेष ट्रेनिंग दे चुकी है। 4 दिन पहले सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया था, जहां 2 शिफ्टों में प्रत्याशियों की ट्रेनिंग हुई थी। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी। इस शिफ्ट में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कांग्रेस प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई, जबकि दूसरी पाली 2:30 बजे से शुरू हुई। इसमें इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों की ट्रेनिंग हुई। सभी 230 कांग्रेस प्रत्याशियों की विशेष ट्रेनिंग में उन्हें 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान ईवीएम से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को किस तरह से रोका जाए, साथ ही उन्हें बताया गया कि किस तरह काउंटिंग पर नजर रखने के साथ साथ मतगणना केंद्रों पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और सभी को ये पता लग जाएगा आखिरकार कौन से राज्य में किसकी सत्ता बनती है या फिर कहाँ पर तख्ता पलट होता है। आपके हिसाब से 3 दिसंबर को कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में विजयी होने वाली है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।